पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जो तासुरात थे वो आपने सुने। आपको एक बार फिर से बताते चलें, MNA परवेज़ मलिक, जिनकी सियासी खिदमात कभी फरामोश नहीं की जाती, ना सिर्फ सियासी खिदमात बल्कि उनकी समाजी खिदमात को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वो हर दिल अजीज शख्सियत थे। उनकी नमाज जनाजा के मनाजिर हमने आपके साथ बराह रास्त जो हैं वो शेयर किए हैं। शहर के अहम सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसके बाद मियानी साहब कब्रिस्तान में उनकी वालिदा के कदमों में उनको सपुर्द खाक कर दिया गया। और आहों और सिसकियों में आपने देखा कि अली परवेज़ मलिक और साथ ही साथ अहमद परवेज़ और डॉक्टर जावेद अकरम साहब, उनकी फैमिली के दीगर अरकान भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनका दुख बिलाशुबा किसी सूरत कम नहीं हो सकता, क्योंकि वालिद और भाई जिनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। लेकिन हमारी जानिब से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और बहुत सारी दुआएँ जो हैं वो परवेज़ मलिक साहब के लिए। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। राव साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा राव साहब, हमने आपको खासा मुतहरिक देखा, कवरेज भी आप करते रहे। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, परवेज़ मलिक साहब की सियासी खिदमात तो सभी लोग जानते हैं, उनकी शख्सियत को आपने कैसा पाया? देखिए, मेरा उनके साथ जो ताल्लुक था और पहली मुलाकात मेरी 2002 के जो आम इंतखाबात थे उनमें हुई, और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक, चूँकि क्यादत जो थी PMLN की वो जिला वतन थी। उस दौर में वो सेक्रेटरी फाइनेंस हुआ करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, गालिबन पंजाब के या मरकज़ी सेक्रेटरी फाइनेंस, तो उस वक्त भी खासे मुतहरिक थे। और उस वक्त भी रुकने कौमी असम्बली थे NA 120 से, और मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल दौर था, अमरीत थी मुल्क में, और डट कर मुकाबला किया अमरीत का, और ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि शिकस्त दी किंग्स पार्टी, उस वक्त जिसको काफ लीग के नाम से जाना जाता है, वो उस उनके कैंडिडेट्स को फिर और उस वक्त जो 2002 का इलेक्शन था, ये चंद लोग MNAs थे जिनमें परवेज़ मलिक भी शामिल थे, और उसके बाद से फिर एक ताल्लुक था चूँकि बाद में भी रहा, लेकिन उनकी सियासी खिदमात की तो जो आप बात करते हैं कि तवील अरसे से पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी उनको दी, और जो आप लाहौर का किला की बात करती हैं, तो मुस्लिम लीग नून लाहौर का किला बनाने वाले ये वो लोग थे, इनकी खिदमात की वजह से बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को वर्कर्स के माबैन जो राबता था उसका बहुत बड़ा ज़रिया, मैं समझता हूँ कि अब यकीनन मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स, जो ब्राह रास्त उनको पता होता था कि किस ऑफिस में किस वक्त परवेज़ मलिक मौजूद हैं, और उनसे मुलाकात होती थी, और खुशी गमी के हवाले से हर जगह पर कोशिश करते थे कि वो पहुँचे। और एक मुश्किल तीन जो दौर था वो गुजारने के बाद, जाहिर है गवर्नमेंट फिर 2008 में गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग नून की पंजाब में बनी, और फिर 2013 में भी वफाकी वजीर भी रहे, लेकिन उनकी जो पहलू है समाजी खिदमात का, उसको भी आप यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लिबार्ड एक ऐसा इदारा जो जिसमें माजूर बच्चों की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसज हैं उनकी फैमिलीज़ को, उतना ही उनको मुतहरिक देखा गया, उतना ही मुतहरिक देखा गया जितना वो सियासी तौर पर खान ने ज्वाइन किया है, गालिबन उनकी रिहायशगाह पर मौजूद है जहां पर ताजियत के लिए अहम शख्सियात आ रही हैं। तो सादिया खान की तरफ हम चलेंगे। जी सादिया, बताइएगा परवेज़ मलिक साहब की ताजियत के लिए कौन कौन सी अहम शख्सियात जो हैं आ रही हैं, और किन ख्यालात का इजहार कर रही हैं, उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहना है? परवेज़ मलिक मरहूम की रिहायशगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर पार्टी वर्कर, इनके दीगर जो सियासी जमाते हैं उनके भी यहाँ वर्कर और रहनमा जो हैं वो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो गम का आलम है, और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो उनको सियासी लिहाज से जानते थे या उनको उनकी इंसानियत की खिदमात के हवाले से जानते थे, वो उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हुए कह रहे हैं कि उनके जाने से सियासत में खुला पैदा हुआ है और वो कभी पुर नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MPA और दीगर जो सियासी रहनुमा और पार्टी वर्कर खवातीन हैं, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। उनका ये कहना है कि हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में मलिक परवेज़ साहब ने उनका साथ दिया, उनको साथ लेकर चले, उनकी सियासी खिदमात को हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। और जो जराए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो भी आज यहाँ पर उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत के लिए आएंगी।
जबकि ये सिलसिला जो है ताजियत का जारी है। पार्टी रहनुमा के साथ साथ अहले इलाका अजीज व अकारब और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा भी यहाँ पर आ रहे हैं और ताजियत का इजहार कर रहे हैं। जी ठीक है, आम शख्सियात के आमद का सिलसिला जारी है और इजहार ताजियत किया जा रहा है। सादिया आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सादिया ने हमें बताया कि पार्टी ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा भी जो हैं वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा से इजहार ताजियत के लिए आएंगी, प्लान है ये चीज़। और इसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ पर इजहार ताजियत के लिए आ रहे हैं, अच्छा राव साहब जिस तरह सादिया ने बताया कि वो चाहे पार्टी वर्कर हैं, वो चाहे रिश्तेदार हैं, वो चाहे उनके जानने वाले हैं, सब लोग उनकी जात से जुड़ी आजजी और इनकसारी का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये बात करने वाला था कि देखिए उन्होंने NA 120 में इलेक्शन लड़ा जो कि उनके खासी तादाद है सांदा के इलाके में उनके रिश्तेदारों की जो अकारब की बात समझ आती है। उसके बाद NA 123 में इलेक्शन लड़ा, जवेद हाशमी ने सीट खाली की और फिर उसके बाद वहाँ से वो इलेक्ट हुए। उसके बाद 123 में दूसरी मरतबा भी मुंतखब हुए और अब 2018 में बिल्कुल हल्का मुख्तलिफ और NA 133 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ से भी जीत गया। ये बात है, देखिए हल्का तो काउंसलर का अगर चेंज हो ना तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाता, और किस तरह से NA के हल्के चेंज करना और उसके बाद फिर देखिए कि हर एक के साथ रबते में रहना, ये उनका तुरा इम्तियाज था। और मुस्लिम लीग नून को अब काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि लाहौर की सदारत के हवाले से कैंडिडेट नहीं मिल रहा, यानी इतने मौजू कैंडिडेट थे और इतने मौजू शख्सियत थे, हर किसी के लिए दस्तियाब थे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि 2002 या 2003 से अब मेरा ताल्लुक उनके साथ है, तो ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी बताएंगे आपको, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स पुराने जो हैं वो बाय नेम उनको जानते हैं, चाहे किसी का ताल्लुक मजांग से है, बल्कि मजांग के लोगों से के हवाले से तो अक्सर वो कहा करते थे कि मेरे सबसे कम जब भी इलेक्शन यहाँ से लड़ता हूँ मेरे पैसे नहीं खर्च होते, यानी मजांग सांदा राजगढ़ ये सारा इलाका उनकी बरादरी का भी है और बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूलियत पार्टी की तो एक मकबूलियत होती है, शख्सी मकबूलियत के हवाले से भी वो किसी से कम नहीं थे, यानी हर किसी के लिए मौजूद थे। और बड़ा पार्टी के अंदर रहते हुए भी बड़ा मुश्किल दौर देखा, जब टिकट नहीं मिला, उनको टिकट नहीं दिया गया, और एक वक्त था जब उनके बड़े भाई जो अटॉर्नी जनरल थे मलिक कयूम साहब, तो वो बड़ा एक मुश्किल उनके लिए दौर था, लेकिन उन्होंने साबित कदमी का मुजाहरा किया। और उसके बाद फिर देखिए कि अब तीन जो नशिस्तें रुकने कौमी असम्बली की, उनकी अहलिया रुकने कौमी असम्बली, उनके बेटे अली परवेज़ रुकने असम्बली और ख़ुद भी रुकने असम्बली थे, तो ये फिर जब आप साबित कदम रहते हैं तो उसका फिर आपको रिजल्ट भी नज़र आता है। और ऐसा ही है अब परवेज़ मलिक के हवाले से उनका अहाता एक, देखिए ऑस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ 70 की दहाई में इंजीनियरिंग की डिग्री और फिर कारोबार में एक लंबी उनकी कामयाबियां हैं, समाजी खिदमात के हवाले से लिबार्ड को ऑन कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जो बहुत ज़्यादा दादरसी लोगों की, वर्कर्स की, फिर अपने ताई जिस हमने तो ये देखा है कि जितना मुतहरिक रहे हैं, जितना वर्कर्स के लिए कर सकें, वर्कर की आवाज़ को कायदीन तक पहुंचा सकें उतना किया है, और यही वजह थी कि आज तक वो अपनी रहलत तक जो है वो सदर थे लाहौर के मुस्लिम लीग नून के। सही कहा, और ये बहुत बड़े एजाज की भी बात है। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवी चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। नवी चौधरी साहब आपके वक्त का शुक्रिया। हम हमेशा से देख रहे हैं डेली सिटी 42 में अखबार जिसकी हम बात करते हैं, जिसको शहर की आवाज़ भी कहा जाता है, हमने हमेशा से देखा परवेज़ मलिक साहब की सियासी खिदमात हो, समाजी खिदमात हो, हमेशा से डेली सिटी 42 ने उनको हाईलाइट किया है। आपका अपना भी ज़ाती ताल्लुक भी उनसे रहा, मेल मुलाकात होती रही, कैसी शख्सियत पाई आपने सियासी लिहाज से भी उनको, समाजी लिहाज से भी, कैसे शख्सियत आपने पाई परवेज़ मलिक साहब की? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल जिस वक्त ये खबर सुबह मैंने देखी कि परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हो गया, तो हकीकी मानों में ऐसे लगा जैसे बहुत ही करीबी अजीज जो है वो दुनिया छोड़ गया, और सुनने की कैफियत रही। उसके बाद कल शाम तक और आज जनाजे में शिरकत के बाद मैं वापस आया हूँ, तो मैंने देखा कि कमोबेश हर फर्द की जो उनसे ताल्लुक रखता था, उनको जानता था बराह रास्त का दिलवास था, उसकी यही कैफियत थी। तो ये एक बहुत बड़ा एहसास होता है कि एक शहर का अहम आदमी जो है उसका इंतकाल हो गया, उस दुनिया छोड़ गया, और उसके अलावा टीम के साथ साथ उनके जानने वाले भी ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे जाते नुकसान हो गया। मलिक साहब एक सियासतदान से
एक सामाजिक कारकुन से बढ़कर शख्सियत थे। सबसे पहले तो उनका जो अंदाज गुफ्तगू था वो इतना पोलाइट था कि कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये शख्सियत जो है ये सियासी किसी सियासी जमात की ना सिर्फ रहनुमा है, लीडर है, बल्कि बहुत कमिटेड है। ऐसे ही फरीद मलिक साहब ने जब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की तो मेरा अपना ही अंदाजा था बहुत पहले, फिर मुशरफ का दौर बीच में आ गया कि प्रेशर आएगा तो शायद ये सनतकार है तो अमूमी ये ताकत होता है सनतकार ज्यादा देर किसी पार्टी का नहीं चल रही। फिर प्रेशर आया भी, बहुत ज्यादा प्रेशर आया, लेकिन परवेज मलिक साहब हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी अपनी पार्टी के साथ और चट्टान कितनी मजबूती थी उनकी, उनकी फैमिली पूरी जो थी वो सियासत करती रही, उनकी समाजी खिदमात का अहाता करना नामुमकिन है। मैं आपको बताऊँ कि लबार्ड के प्लेटफॉर्म से उन्होंने चीजें तो सुनी है, उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोगों के लिए वो कर रहे थे और बहुत सारे शहर के अफराद ऐसे हैं जो उसमें इनका हाथ बटा रहे थे और उनका नाम भी कोई नहीं जानता। परवेज मलिक साहब सही मानों में एक दरवेश सिर्फ इंसान थे, उनकी बात से मैंने कभी नहीं सुना कि किसी आदमी को नुकसान पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, किसी की कभी कोई दिल आजारी भी हुई हो। किसी तकरीब में जब उनसे मुलाकात होती और अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाते थे पहले ही, हमें अंदाजा नहीं होता था कि मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, तो आप मैं कुर्सी पर बैठा हुआ, अचानक मुझे महसूस हुआ कि बहुत ही एक शफीक सी आवाज, एक कोई शख्सियत आई है पीछे से, तो आज एकदम कह दिया तो ऐसा सवाल है, तो हम फटाफट खड़े हो जाते थे। तो ये उनकी शख्सियत का खासा था, उन्होंने सियासत के अंदर इतनी शानदार रवायात कायम की कि आज जनाजे में पीपल्स पार्टी, जमायत इस्लामी, PTI, दीगर जमातें जो हैं, मजहबी जमातें, JUI के लोग, JUP के लोग, मैंने देखा है कि वो जोक पर जोक आए हैं और हर एक ने यही कहा कि हम परवेज मलिक की जात की वजह से यहाँ मौजूद हैं। खुद नमाज जनाजा पढ़ाते हुए मोहतरम अब्दुल रहीम अशरफी साहब जो मोहतरम इमाम है जामा शरीफिया के, उन्होंने भी ये जिक्र किया, उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा कल्बी ताल्लुक मेरा इनके साथ था। तो हर शख्स वहाँ उलमा से लेकर सियासतदान, सामाजिक कारकुनों से लेकर आम शहरियों तक और उनके पार्टी के लोगों तक हर बंदा यही कह रहा था कि हमारा परवेज मलिक के साथ बहुत कल्बी ताल्लुक था और ये हमारा जाती नुकसान है। तो हम City 42 के प्लेटफॉर्म से दुआगो हैं जो हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके मवाकिन को सब्र की जीरत आ करें और हमें तौफीक दे कि हम ऐसी शकीक शख्सियात, ऐसी नेक शख्सियात जिन्होंने बहुत वाजे अपने नशे कदम छोड़े हैं उसको चलने की तौफीक दी। आमीन सुमामीन, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और परवेज़ मलिक साहब की शख्सियत के बारे में वो इजहार ख्याल कर रहे थे। बिलाशुबा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा उनकी शख्सियत का मुअत्तरिफ नज़र आ रहा है, तो जब कोई जहान फ़ानी से कूच कर जाता है उनकी शख्सियत के बारे में इस तरह से कोई ख्यालात का इजहार करे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात होती है। और बिलाशुबा हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह पाक परवेज़ मलिक साहब की मगफ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। राव साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।